नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती के कई ऐसे उदाहरण हैं जो मशहूर हैं। ऐसा ही एक रिश्ता डायरेक्टर एक्टर तिग्मांशु धूलिया और दिवंगत एक्टर इरफान खान के बीच था। इस फ्रेंडशिप डे पर इरफान को याद करते हुए तिग्मांशु ने उन्हें अपना एकमात्र दोस्त करार दिया। एक बातचीत के दौरान तिग्मांशु ने बताया कि जब 1986 में उन्होंने NSD ज्वाइन किया था, तब इरफान वहाँ थर्ड ईयर में थे। तिग्मांशु ने कहा, अपनी जोड़ी बस बन गई और हम दोनों ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक साथ ही ग्रोथ देखी। कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद एक्टर इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया था। यह याद करते हुए कि इरफान ने एक बार कहा था कि तिग्मांशु उनके सबसे खास और एकमात्र दोस्त थे, निर्देशक ने कहा कि उन्हें भी लगता है कि अब उनका कोई दोस्त नहीं है। तिग्मांशु ने आगे कहा, मेरा भी कोई दोस्त अब बचा नहीं है। वो इकलौता था जो मेरी सारी गलतियों और कमजोरियों को जानता था। उसको मेरे प्लस और माइनस पॉइंट पता थे। उसके सामने मैं सिर्फ मैं होता था। अब जो वो हमें छोड़कर चला गया है, तो मेरी नए दोस्त बनाने की उम्र तो है नहीं। इरफान उन्हें किस तरह समझते थे ये बताते हुए तिग्मांशु ने कहा, वो एक ही बार में मेरी गलतियां पकड़ लेता था। उसके पास मेरे अंदर झांकने की क्षमता थी और वो हर बात मेरे मुंह पर साफ साफ कह देता था। उसके सामने मैं कभी लंबी लंबी हाँक नहीं पाता था, पर अब अपनी कमजोरियों को छुपाता ही रहूँगा क्योंकि मैं इन्हें किसी और से शेयर नहीं कर सकता। बतौर आर्टिस्ट इरफान हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए पुश करता था। जब से वो गया है, तब से मेरी ग्रोथ कम हो गई है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।